गालवान वैली में जो सैनिक हमारे मारे गए थे उस समय कुल मिलाकर के 20 सैनिक मारे गए थे। उसके नेतृत्व कर रहे थे हमारे कर्नल संतोष को, वो तेलंगाना राज्य से था। तो उस समय में हमने उनका वहाँ मदद की है उनके फैमिली के लिए। तो उसी से हम समय में घोषणा किए थे कि तेलंगाना राज्य के ओर से उनके साथ जिन सैनिकों का मृत्यु हुई है उनके लिए 10-10 लाख रुपये तो उनके फैमिली के सम्मान में देना चाह रहे हैं। तो ऐसे 6-7 राज्यों में, पंजाब में भी थे, दूसरी जगह भी थे, वहाँ चुनाव हो रहा था, चुनाव कोड भी है। तो मैंने हमारे भाई हेमंत जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप आदेश दे दीजिए उनको। वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन्होंने तक पहुँचाना था, जो भी सहायता करना चाह रहे थे। उससे बड़ी बात तेलंगाना राज हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री शिबू सोरेन जी, उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफ़ी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे। हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनको भी मुझे मिलना था, काफ़ी दिनों उनके आशीर्वाद देना था। मुझे बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छे सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है उसका भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें हो रही हैं देश भर में नेता लोगों से, कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद जिसको जिस धन का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और कई चीज़ों में हम पिछड़े रह गए दुनिया के तुलना में। देखे जो हमारे से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है उस ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इसको ठीक करने का प्रयास करने का हर इंडियन का फर्ज बनता है, उस पर भी हमारा चर्चा हुआ। लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है तो भी मिल करके उसी समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे। मिलने के बाद इस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, सभी लोग मिल करके हम तय करेंगे। उसके बाद भी विस्तार में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। भारत को एक सही दिशा में ले जाने का एक कड़ी प्रयास होना चाहिए, उस प्रयास का प्रारंभ हुआ, चर्चाएं हो रहे हैं। तो ये एंटी बीजेपी फ्रंट, एंटी कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं है। मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ, आपने अच्छी बात छेड़ा है, कोई कह रहा है थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, ये है, कोई फ्रंट अभी बना नहीं है। क्या बनेगा वो आगे चल के पता चलेगा। ये बात तो तय है, एक बात बिल्कुल तय है, आज़ादी के मिलके हमें 75 साल गुजर गए, संभावित विकास नहीं हो पाया देश में, संभावित फल लोगों को नहीं मिले, इसीलिए कुछ नया करने की ज़रूरत है। वो नया क्या है, किस तरह किया जाए, क्या किया जाए, ये अभी तय होने हैं, आगे चल के तय होगा। आप कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, पत्रकारों से मेरा निवेदन है, प्लीज डोंट गिव ए नेम काइंडली। जो वो अच्छे भारत बनाने में आपका भी योगदान हम चाहते हैं। सर, आप भी सुनिए, प्लीज डोंट बी हेस्टी, आई एम सो क्लेवर,
यू कांट गेट एनीथिंग आउट ऑफ मी. मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल अपने सच्चे मन से, अच्छे मन से, पर समझदारी से कह रहा हूँ. एक अच्छे भारत, बहुत ही अच्छे भारत, अब से कई गुना अच्छे भारत, अब जो हो रहा है उससे कई गुना अच्छा विकास, अच्छे परिणाम मिले देश के जनता को, ये हमारी इच्छा है. उसको लेकर के हम प्रयास में लगे हुए हैं. इतने बड़े देश में इतने सारे पार्टियां, इतने बड़े नेता, कई लोग हैं, कई संगठन हैं. कल मुझे दिल्ली में किसान के नेता भी मिले थे, कई लोग मिलते रहते हैं. तो हर चीज़ में, हर विभाग में किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार का आगे ले चलना चाहिए, इसका कोई एक दो लोग तय नहीं कर पाते. जब हम सब बैठेंगे तब एक रास्ता बनेगा. किस रास्ता पकड़ना है, क्या करना है, फ्रंट बनाना है या और कुछ बनाना है, वो सारी चीज़ आगे चल के बताएंगे. आप लोगों से इतना मैं निवेदन करता हूँ, सबसे बड़ा योगदान आप ही का हम चाहते हैं इस देश को बनाने में. यस प्लीज प्लीज, थोड़ा संयम बरते. कुछ ही समय में हम लोग पूरे विस्तार में बात बता देंगे. आपके हाथ के बगैर, जैसा कि पंडित ना आए शादी नहीं हुई, आपके बगैर तो कोई बात हो नहीं सकता. थोड़े दिन कहिए, आपको रोज हम न्यूज देते रहेंगे. उसी समय की इंतजारी है. माफ करना, धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस.